वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपके पास है वन प्लस नॉर्ड जी 4 5G मोबाइल और दोस्तों आप उसमें किसी भी पर्सनल ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेना है। फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर प्राइवेसी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप लॉक पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर ऐप लॉक के सामने टिक डिसेबल इस टिक को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी पासवर्ड बनाना है, तो सेटिंग पे क्लिक करना है, 6 अंकों का प्राइवेसी पासवर्ड बना लेना है और आपको यूज पे क्लिक करके दोबारा से वही पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको फार्मा टीचर्स नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, सिक्योरिटी आंसर होता है दोस्तों। अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाओगे तो इस सिक्योरिटी आंसर से आप प्राइवेसी पासवर्ड को फॉरगेट कर पाओगे, तो सही के निशान पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन पे आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना वो एप्लीकेशन लेना है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे यूट्यूब पर फिंगरप्रिंट ऐड करना, तो यूट्यूब के सामने टिक डिसेबल इस टिक को इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद ऊपर यहाँ पे सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अदर एनालॉग मेथड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट के सामने टिक डिसेबल इस टिक को इनेबल कर देना है, तो सक्सेसफुली आपकी ऐप में फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको स्क्रीन पर दिखा दें, दोस्तों हमने यूट्यूब पर लगाया है तो यूट्यूब रहा ये, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई विद फिंगरप्रिंट। अब जैसे फिंगर सेंसर में फिंगर टच करोगे तो दोस्तों आपके जो यूट्यूब है ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप वन प्लस नॉर्ड सीई 4 5G मोबाइल में किसी भी ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।